भाई जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते उससे भी तेज एक बार एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। एमएस धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले एमएस धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें।